नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेश और स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल मायदा टेकी पर। जैसा कि मैंने आपको बोला था, स्मार्ट वॉचेज के साथ साथ अब हम ईयरफोन्स का भी रिव्यू करना शुरू करेंगे। तो आज हमारे पास एक नया प्रोडक्ट आ गया है, पोर्ट्रॉनिक्स हार्मोनिक्स ट्विंस 33 ईयरबड्स। यस, तो पोर्ट्रॉनिक्स ब्रांड का लो बजट रेंज का प्रोडक्ट है। आज के वीडियो में जानेंगे इसकी फुल टेस्टिंग करके कि भाई ये कैसा चलता है, आपके लिए लेना सही रहेगा या नहीं रहेगा, क्यों आप इतने पैसे खर्चते हैं अगर ये लो बजट की चीज़ आपके लिए सही हो जाती है तो। और इस प्रोडक्ट का हम गिव अवे भी करने वाले हैं दोस्तों, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना गिव अवे की टर्म्स एंड कंडीशंस के लिए और इसके सारे फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशंस जानने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। बॉक्स तो काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, पैकिंग अच्छी है, सामने ही आपको ईयरबड्स जो है क्लियरली दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं नीचे इनकी डिटेल्स लिखी है, ब्लूटूथ वर्जन लिखा है, टाइप सी चार्जिंग लिखी हुई है, ट्रू वायरलेस फ्रीडम कंपनी बता रही है इसके अंदर। और ये पीछे वही ब्लूटूथ की डिटेल, टाइप सी आउटपुट की डिटेल है और कैसे इसके जो टच कंट्रोल्स हैं वो इसके अंदर दिए गए हैं, बटन कंट्रोल्स नहीं है। और ये बाकी सारी मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर डिटेल्स विद वारंटी, तो काफ़ी अच्छी है पैकिंग और बॉक्स तो देखने में। तो ये कुछ इस तरीके से लगता है देखने में। आप देखिए वारंटी कार्ड है इसके अंदर, मैनुअल है जिसमें इंस्ट्रक्शन दी है कि किस टच से कैसे काम करेगा, बॉक्स है, छोटी सी केबल है, केबल थोड़ी बड़ी हो सकती थी, और साथ में दोनों जो उसके ईयरबड्स एक्स्ट्रा दिए गए हैं अलग अलग कानों के साइज़ के हिसाब से। बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं तो काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में, पोर्ट्रॉनिक्स की ब्रांडिंग है इसके ऊपर और ग्लॉसी फिनिश में है और काफ़ी कॉम्पैक्ट से हैं, कोई ज़्यादा बड़े या हैवी नहीं है देखने में। और इस साइड माइक दिया हुआ है, साथ में लिखा भी हुआ है कि राइट साइड वाला ईयरबड कौन सा और लेफ्ट साइड वाला जो पीट्रॉन वाले में मैंने देखा था मिसिंग था जो मैंने यूज़ किया था। और ये नीचे इसको मैग्नेटिक आपको चार्जिंग पॉइंट दिख जाएंगे इसके, जिससे कनेक्ट रहते हैं और चार्ज होना शुरू कर देते हैं। तो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी मुझे अच्छी लगी है इसकी। अब दोनों ईयरबड्स को आपको साथ में ला कर दिखाता हूँ और काफ़ी कंफर्टेबल से हैं। और अब हम केस की तरफ जाते हैं, तो केस भी पूरा ग्लॉसी फिनिश में है, तो इस पर मैंने थोड़ा सा यूज़ किया है तो इस पर स्क्रैचेस थोड़े से पड़ रहे हैं, लेकिन ब्लैक कलर है तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता स्क्रैच लगने से। और यहाँ पे आप ईयरबड्स को जब रखेंगे तो उनकी चार्जिंग शुरू हो जाएगी। देखिए बॉक्स को ओपन या क्लोज़ करते ही इसमें LED इंडिकेटर भी दिखाता है कि इसमें कितनी बैटरी बची हुई है, जो बॉक्स की जो केस की बैटरी है। तो आप जब इसको कुछ इस तरीके से प्लेस करेंगे अच्छे से तो ये चार्ज होना शुरू हो जाते हैं दोनों। मुझे बॉक्स भी काफ़ी पसंद आया, इसको ओपन करते हैं और जब क्लोज़ करते हैं बड़ा स्मूथली क्लोज़ हो जाता है, आपको एक्स्ट्रा प्रेशर देके इसको दबाना नहीं पड़ता है। देखिए काफ़ी हल्का सा इसको आप टच करेंगे क्लोज़ हो जाता है। म्यूज़िक प्लेयर की बात करें, लॉन्ग प्रेस करेंगे आप ईयरबड को तो देखिए सॉन्ग चेंज हो जाता है, लॉन्ग प्रेस करके उसको आपको रिलीज़ करना है। देखिए प्रेस किया और अब छोड़ा और ये आप देख सकते हैं सॉन्ग चेंज हो गया, तो ये गाना अब चल रही है इसमें भी ये काम कर रहा है ढंग से। और जब आप इसको डबल प्रेस करेंगे तो देखिए ये पॉज हो जाएगा और फिर जब आप इसको डबल प्रेस करेंगे तो ये सॉन्ग दोबारा से प्ले हो जाएगा, तो कोई लैग नहीं है, फीचर ने काफ़ी अच्छे से काम किया है इसके अंदर। इसी तरह मैंने टच कंट्रोल्स की जो है कॉलिंग के साथ भी टेस्टिंग करी, तो इनकमिंग कॉल में देखिए ऐसे लाइट जलने लग जाती है, आप डबल टच करेंगे तो कॉल जो है कनेक्ट हो जाती है, फ़ोन उठ जाता है। और आप इसी तरह जब इसको डबल टच करेंगे किसी भी ईयरबड को तो कॉल जो है डिस्कनेक्ट होती है, आप रिस्पॉन्स देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है। और फिर हम बात करते हैं व्हाट्सएप में, तो व्हाट्सएप की कॉल पिक करने की या रिजेक्ट करने की फैसिलिटी इसमें भी नहीं है, मैंने यही सेम चीज़ पीट्रॉन में भी नोटिस करी थी, इसमें भी पोर्ट्रॉनिक्स में भी ये चीज़ नहीं है। तो व्हाट्सएप के लिए आप इसको दबाते रहिए, कुछ नहीं होता है उसके अंदर। फिर जरा वॉइस असिस्टेंस की टेस्टिंग करते हैं, 3 times आप प्रेस करेंगे तो ये देखिए वॉइस असिस्टेंस ऑन हो जाता है इसका। उसके बाद आप इसको जैसे कमांड दीजिए, जैसे मैंने बोला था भाई ओके गूगल इस नंबर पे कॉल मिला दो, तो वहाँ पे इसने थोड़ा सा टाइम लिया था लेकिन कॉल को उसने डायल कर दिया था, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, तो इसका रिस्पॉन्स भी सही लगा। और आप जैसे डबल प्रेस करेंगे तो यहाँ से कॉल डिस्कनेक्ट हो ही जाता है। और मैं आपको थोड़ा पीट्रॉन के साथ इसका कंपैरिजन करके बताता हूँ, थोड़ा ऑलमोस्ट सेम रेंज के ही हैं। तो देखिए पीट्रॉन वाला काफ़ी बड़ा है ईयरबड और ये जो आप ईयर का साइज़ जो देखते हैं तो पोर्ट्रॉनिक्स वाला काफ़ी कंफर्टेबली आपके ईयर्स के अंदर प्लेस हो जाता है, जबकि पीट्रॉन वाला थोड़ा बाहर भारी रहता है, इससे उसके गिरने के थोड़े चांसेस बढ़ जाते हैं और आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन पोर्ट्रॉनिक्स वाला ईजिली ईयर्स के अंदर चला जाता है और वेट भी जो है पोर्ट्रॉनिक्स का कम है एज़ कम्पेयर टू पीट्रॉन विस्टा से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों की बिल्ड क्वालिटी एंड लुक्स कैसी है। ये हार्मोनिक्स ट्विंस 33 में जो है, देखिए जब मैं इनको केस में डालता हूँ तो चार्जिंग इंडिकेटर जो है वो बॉक्स पे आता है, ये देखिए बॉक्स के जो है इस पर लाइट जल जाएगी और ये लाइट जो है बंद हो जाती है। तो इसमें आप बॉक्स का तो चार्जिंग कैपेसिटी देख सकते हैं कि कितनी बैटरी बची हुई है, लेकिन ईयरबड्स का आपको पता नहीं चल पाता है क्योंकि देखिए बंद हो गया, आपको पता नहीं ईयरबड्स चार्ज हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। और ये जो है लाइट्स हैं कनेक्टिंग के लिए, लाइट्स हैं कनेक्शन के लिए लाइट्स हैं,
तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको चैलेंज आ सकता है पता लगाने में कि ईयरफोन कितना चार्ज हो गए हैं, लेकिन बॉक्स की आप बात करें तो बॉक्स में आपको चार्जिंग पता चल जाती है। बात करते हैं पीट्रॉन की, तो यहाँ पे क्या है कि केस की एलईडी लाइट्स तब तक जलती रहती है जब तक कि आपके ईयरफोन चार्ज ना हो जाएं, तो यहाँ पे आप थोड़ा ईयरफोन के चार्जिंग का पता लगा सकते हैं। लेकिन जो है पोट्रोनिक्स जो है 5 मिनट में जब आपको 30 मिनट का बैकअप दे रहा है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है चार्जिंग की। अब मेन चीज़ की दोस्तों बात करते हैं, वो है साउंड क्वालिटी। साउंड क्वालिटी 6 mm का ड्राइवर कंपनी क्लेम करती है, लेकिन मैं जो पीट्रॉन का 10 mm का यूज़ कर रहा हूँ उससे भी बहुत बेटर आवाज़ है इसकी। साउंड तेज़ भी है, साथ में क्लैरिटी बहुत अच्छी है, बेस काफ़ी अच्छा है इसके अंदर। तो आप एक लो बजट अगर TWS ले रहे हैं उसमें बेस एक्सपेक्ट करना काफ़ी मुश्किल है मेरे हिसाब से। और इसमें जो नॉइज़ कैंसिलेशन तो नहीं है, लेकिन इसमें एक नॉइज़ रिडक्शन टेक्नोलॉजी का सपोर्ट है जो कि बाहर के नॉइज़ को 50 dB से ऊपर के साउंड को कट करती है और आपके कानों तक 98% क्रिस्टल एंड क्लियर आवाज़ पहुंचाती है। तो ये टेक्नोलॉजी की वजह से इसमें जब मैंने कॉलिंग करी, कॉलिंग का भी मुझे बड़ा मज़ा आया इसके अंदर। मतलब मुझे काफ़ी क्लियर आवाज़ सुनाई दे रही थी सामने वाली पार्टी की, और जिसको मैंने कॉल किया था वो भी मेरी आवाज़ आसानी से सुन पा रहा था। बीच में कहीं आवाज़ ब्रेक नहीं हो रही थी और कहीं पे ऐसा कुछ लैग भी नहीं था। बात करते हैं गेमिंग मोड की। देखिए इस बजट रेंज में गेमिंग मोड एक्सपेक्ट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैंने जो यूट्यूब के वीडियोस देखे इसको लगा के तो मुझे बहुत बहुत मिनिमल लैग दिखा इसके अंदर, जो कि एक्सपेक्टेड है सब ईयरबड्स के अंदर वो होता है। मैंने पीट्रॉन यूज़ किया, बोट के यूज़ किए। तो दोस्तों अब अगर वर्डिक्ट की बात करते हैं तो इस प्राइस रेंज में मेरे हिसाब से ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। इतने कम बजट में इतनी अच्छी प्रीमियम लुक देता है, आपको कंफर्ट दे रहा है, साथ में जो मेन चीज़ हमको चाहिए होती है वो होता है म्यूज़िकल एक्सपीरियंस, तो वो भी अच्छा दे रहा है विद अ डिसेंट बैटरी बैकअप। तो दोस्तों आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं पोट्रोनिक्स की वेबसाइट से, मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। और अगर आप इसका जो कूपन कोड भी अप्लाई करते हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, साथ ही वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी वो आ रहा है, तो आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ मिल जाएगा। इसके अलावा आप इसको अदर ई कॉमर्स वेबसाइट से भी ऑर्डर कर सकते हैं। अब बात करते हैं गिव अवे की, तो आपको कुछ नहीं करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ आपको एक प्यारा सा कमेंट डालना है कि आपको ये हारमोनिक्स ट्विंस 33 में क्या चीज़ अच्छी लगी, आप इसको क्यों लेना चाहेंगे। उसके बाद मैं 21 मार्च को इसके रिजल्ट्स का अनाउंस कर दूंगा ताकि काफ़ी सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सके। 21 मार्च को हम बताएंगे कि इस गिव अवे का विनर कौन है। चैनल पर बने रहिए दोस्तों, आपका कोई भी क्वेश्चन कमेंट या सुझाव है इन ईयरबड्स को लेके तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में नया रिव्यू नया कंपैरिजन लेके, तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर। बाय बाय।